आज हम प्रतिवर्ष की बात जो बौद्ध महोत्सव गौतम बुद्ध नगर में मनाया जाता है, जो 25 दिसंबर उसकी तिथि है, उसको मनाने हेतु और उसके संबंध में कुछ आप लोगों से बात बताने हेतु यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जिससे कि लोगों तक ये संदेश जाए कि 25 दिसंबर को बौद्ध महोत्सव गौतम बुद्ध नगर में मनाया जा रहा है। इस बौद्ध महोत्सव में हमारे जो विद्वान वक्ता हैं, प्रोफेसर राजकुमार दिल्ली विश्वविद्यालय भंते करुणाशील नागभूषण जी और गौतम जी और सीमा कुशवाहा जो उच्चतम न्यायालय में अधिवक्ता हैं, उनके मार्गदर्शन प्राप्त होगा। यह बौद्ध महोत्सव किसी विशेष समिति का नहीं है। जितनी बाबा साहब के नाम पे बौद्ध समितियां या भीम ज्ञान चर्चा या जो भी संगठन हमारे बने हुए हैं, उनके संयुक्त रूप से संयुक्त तत्वावधान में हो रहा है ये, और संयुक्त रूप से मना रहे हैं प्रतिवर्ष की बात। इसमें लोगों को, समाज को जागृत करने के लिए, वर्तमान स्थितियों में उनकी महत्ता बताने के लिए हमारे को मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इसमें केवल उनका मार्गदर्शन ही नहीं, इसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हमारे होंगे जो हमारे बच्चों द्वारा प्रस्तुत किए जाएंगे। बाहर से भी टीम आएंगी जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करेंगी। तो ये बौद्ध महोत्सव एक प्रेरणा देने के लिए, समाज में एक जागृति पैदा करने के लिए इसको मनाया जा रहा है। और ये हमारे जो सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन है उसके निकट है, प्रेरणा स्थल से भी निकट है। ये सेक्टर 15 का जो एक मैदान है अंबेडकर भवन के बगल में, ऋषिपाल प्रेरणा स्थल, तो क्रीड़ा स्थल जो है उसमें मनाया जा रहा है। उसमें हमने सभी लोगों के भोजन की व्यवस्था भी की है, उनको पारितोषक भी देंगे जो बच्चे हमारे कार्यक्रम में होंगे, और जो समाज में काम कर रहे हैं बड़े ऊंचे स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर प्रेरणा देने का काम कर रहे हैं, ऐसे विद्वान जनों का भी हम वहाँ पर सम्मान करेंगे। और आपके माध्यम से सभी से ये निवेदन है कि जो इस बात को सुन रहे हैं वो उस कार्यक्रम में ज़रूर पहुँचें, जिसमें कि हम भोजन की भी व्यवस्था हमारी है इस बार। और हमेशा की तरह ये कार्यक्रम कई जगह मनता था, लेकिन इस बार एक ही स्थान पर हम मना रहे हैं। पिछले वर्ष हमारा 4 स्थानों पर मना था, गौतम बुद्ध नगर में। तो गौतम बुद्ध नगर में ये कार्यक्रम आज बड़े स्तर पर, जिससे कि लोगों का एक जगह पर इकट्ठा हो करके समाज में व्याप्त जो कुरीतियाँ हैं या समाज में जो प्रश्नों का जवाब लोगों के पास नहीं है या जिनके बारे में जानकारी नहीं है, उनको जानकारी देने के लिए विद्वान वक्ताओं का मार्गदर्शन हमें प्राप्त होगा। उसका एक उद्देश्य यह भी है कि समाज में जो एक घृणा का वातावरण है, उसको भगवान बुद्ध ने कभी भी घृणा को जन्म नहीं दिया है, उनको समझने में देर लगी है। तो इसी कारण, जैसे कि जब शिक्षा संस्थान अपने होंगे और शिक्षा संस्थानों में बौद्ध धर्म की शिक्षाएँ या बौद्ध प्रेरणा स्थल या बौद्ध संस्थान बनेंगे, उन संस्थानों में शिक्षा का एक जो विकास होगा उसके बारे में डॉक्टर राजकुमार बताएंगे कि भैया अगर उन शिक्षण संस्थानों से अपनी विचारधारा के लोग निकलेंगे तो जो हमारे वर्ग से संबंधित छात्रों पर जो अत्याचार हो रहा है, उसमें किसी इंद्र मेघवाल की हत्या इस कारण नहीं होगी कि उसने किसी का मटका छू लिया, उस विचारधारा के लोग निकलेंगे जो कि उस वो अपने बच्चों को वही प्रेरणा देंगे। और आज हमारे संस्थान बनेंगे, बौद्ध संस्थान बनेंगे, उसमें शिक्षा संस्थान भी बनेंगे। इस प्रेरणा को लेकर के डॉक्टर राजकुमार और रमेश गौतम जी इस बारे में वो देंगे। हमारा इसका जो अंग है बोधिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया भी इसका एक हिस्सा है, उसके अंतर्गत हम हर स्टेट में, 6 स्टेट में हमारे विद्यालय चल रहे हैं और उसमें हम अपना तथागत की शिक्षाओं के आधार पर ही शिक्षा दे रहे हैं। और मेरा आप लोगों से, गुणी लोगों से निवेदन है जो पत्रकार हैं, हमें उसके बारे में बताना तो हरेक कोई देता, हम बताना नहीं चाहते। बोधिसत्व अम्बेडकर एजुकेशन जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल
जलंधर फूलपुर धनाल एक जगह है, उसमें आप जाएं और स्वयं देखें कि हमारी व्यवस्था क्या है और अपने मंथन के हिसाब से उसके बारे में लोगों तक वो चीज़ संदेश पहुंचाएं। तो बौद्ध महोत्सव का एक उद्देश्य यह भी है कि समाज में जो हमारा समाज बिखरा हुआ है विभिन्न संगठनों के माध्यम से, वो एक मंच पर लाने का भी इसका एक अभियान है, क्योंकि हमारी पाँचों उंगलियाँ बिखरी हुई हैं, वो मुट्ठी नहीं बन पा रही, मुट्ठी बनेगी तभी ताकत बनेगी। जो आप प्रोग्राम करने जा रहे हैं 25 तारीख को, क्या रूपरेखा है इस कार्यक्रम की? ये प्रोग्राम बहुत ही व्यापक है, पारंपरिक है, ये लगातार अपने समाज के उन बच्चों को, उन महिलाओं को, उन संगठनों को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है जो समाज अब तक इन चीज़ों से वंचित था। अपने समाज के बच्चों को अपलिफ्ट करने के लिए, उन्हें सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान दिलाने के लिए हमारी भीम ज्ञान चर्चा एसोसिएशन के माध्यम से बौद्ध महोत्सव हर साल मनाया जाता है। उस बौद्ध महोत्सव में हमारे समाज के जितने बच्चे हैं, महिलाएं हैं, विभिन्न संगठन हैं, उनके माध्यम से जो मंच पर कार्यक्रम होंगे, सांस्कृतिक छटा बिखेरी जाएगी, विभिन्न तरीके के नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे, विभिन्न तरीके के बच्चों के जो परिधान हैं, कोई ज्योतिबा फुले के परिधान में आएगा, कोई सावित्री बाई के परिधान में आएगा, वो जो कल्चरल हमारी पहचान बने जो मिलती है वो इस मंच पर आपको सबको देखने को मिलेगी। कितने संगठन हैं जो इसमें काम करेंगे, योगदान कर रहे हैं? इसके अंदर 25 तकरीबन 50 संगठन के आसपास हैं जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और लगातार उनसे कनेक्ट हम लोग संपर्क में हैं और वो लोग अपना सहमति दे रहे हैं कि हम लोग आपके प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, आएंगे, पार्टिसिपेट करेंगे और जो उनकी जो सहयोग होगा किसी भी रूप में होगा, चाहे वो सांस्कृतिक रूप में हो, चाहे वो वैचारिक रूप में हो, वो हमें हर साल मिलता है और अब की बार भी मिलेगा। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आज यहाँ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें बौद्ध महोत्सव से संबंधित जो बातें हमें आप लोगों को बतानी हैं उनमें से कुछ बातें हमारे साथी आपको बता चुके हैं, तो मैं आपको बता दूँ कि इस बार जो बौद्ध महोत्सव आयोजित हो रहा है ये ग्रैंड इवेंट, इसके लिए जो कमेटी बनाई गई है, बौद्ध महोत्सव आयोजन समिति बनाई गई है प्रतिवर्ष की भांति, इस वर्ष उसके अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हुए भाई सत्येंद्र प्रताप आनंद जी इस बार अध्यक्षता कर रहे हैं और साथ में हमारे जो हरिओम जी हैं, वरिष्ठ जन हैं, आप उसके सदैव संरक्षक रहे हैं, इस बार भी संरक्षक की भूमिका में हैं। भाई विनोद जी बराबर में खड़े हुए हैं, आप जनरल सेक्रेटरी की भूमिका में हैं। बहन हमारी रेशमा मैडम जी हैं, रेशमा बौद्ध, आप सचिव की भूमिका में हैं। हमारे साथ केपी सिंह जी हैं जो दूसरे संरक्षक हैं हमारे, आदरणीय मोहर सिंह जी जो इसके कैशियर हैं, और बहन हमारी शिवानी बौद्ध हैं, ये सचिव की भूमिका में हैं। मुझे भी एक छोटी सी भूमिका इसमें मिली हुई है। इसके अलावा हमारे हमने कई समितियाँ बनाई हैं, कई उप समितियाँ इसमें बनाई हुई हैं। इस तरीके से ये बौद्ध महोत्सव आयोजन समिति बनती है प्रतिवर्ष की भांति। जैसे कि आप सब जानते हो कि 25 दिसंबर सन 1927 के दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने एक बहुत बड़ा कारनामा किया, असमानता की जो व्यवस्था थी, जो विचारधारा थी, जो मनु स्मृति पर आधारित थी, उसको उन्होंने तिलांजलि देने का काम किया। बाबा साहब ने मनुस्मृति को आग लगाई और इस देश के बुद्धिस्टों को फिर से स्वतंत्र होने के अवसर प्रदान किए, धार्मिक सांस्कृतिक आज़ादी की नींव डाली। उस दिन से इस दिन को बड़े दिन के रूप में और बौद्ध महोत्सव के रूप में यहाँ के लोग मनाते रहे हैं, तो ये खुशी का अवसर है, बहुत महत्वपूर्ण अवसर है। तो इस बार हम क्या खास करने के लिए जा रहे हैं, इस पे हमारे साथियों ने भी प्रकाश डाला है, मैं भी कुछ बातें आप लोगों को बता देना चाहता हूँ ताकि हमारे लोगों को ये बातें आगे पहुँच सकें। इस बार जो खास होने जा रहा है वो ये कि तमाम बुद्धिस्ट लोग, उनकी चाहे राजनीतिक संस्थाएं भिन्न हो सकती हैं, उनकी सामाजिक संस्थाएं भिन्न हो सकती हैं, परंतु एक उत्सव के रूप में जो लोग अपने घरों पर इस उत्सव को मनाते हैं वो इस कार्यक्रम में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। इसका जो मेन थीम है वो राजस्थानी फोक, जो राजस्थानी जो लोक कला है वो इसका मूल में रहेगी, साथ ही साथ पंजाबी लोक कला, हरियाणवी लोक कला, और इसके अलावा हमने गुजराती को भी इसमें महत्व दिया है। तो जो बुद्धिस्ट कल्चर है, एंसेंट कल्चर भी जिसको बोलते हैं, उसके दर्शन आपको यहाँ दिखाई देंगे। आप देखोगे कि यहाँ पर अभी हमारी बहन जो बता रही थी
इसमें बच्चों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होगी। बच्चों की महत्वपूर्ण भूमिका से तात्पर्य यह है कि बच्चों ने अपनी कल्चरल टीमें बना रखी हैं और वो जबरदस्त वाली सांस्कृतिक प्रस्तुति देने के लिए यहाँ उपस्थित रहेंगे। तो उनके साथ साथ जो है महिलाएं, महिलाओं की जो लोकल जो लेवल पे, जो हमारे स्थानीय लेवल पे जो आप यहाँ का जो लोकल संगीत आप देखते हो उसकी छटा आपको देखने को मिलेगी। धार्मिक रूप से हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ख्याति प्राप्त 5 देशों के मॉन्क, जिनको हम बुद्धिस्ट मॉन्क बोलते हैं, भंते जी बोलते हैं, वो इसमें प्रतिभाग करेंगे। इसमें जापान, बर्मा, थाईलैंड, लाओस और कंबोडिया, इन देशों के बौद्ध मॉन्क हमारे मंच को सुशोभित करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात होगी कि भारत की जो मूल परंपरा है, बौद्ध परंपरा है, उसका ये जो उत्सव है जिसे बौद्ध महोत्सव बोलते हैं और जो शरद के सीजन में आता है और इस दिन को बड़े दिन के रूप में भी हमारे लोग मनाते रहे हैं, हम इसे बौद्ध महोत्सव के रूप में बहुत खुशी खुशी इधर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मीडिया के बंधुओं, हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि समता, मैत्री और भाईचारे का संदेश देने वाला ये उत्सव आप सबके जीवन में भी ये खुशी और उल्लास लेकर के आएगा। हम आपको बता दें कि भाई जो हमारे कल्चरल टीम है, अभी हमने बताया कि भाई हमारे बौद्ध भंते आ रहे हैं, साथ ही साथ इसमें हमारे विद्वान जो स्कॉलर हैं उसमें बहन सीमा समृद्धि कुशवाहा जो वरिष्ठ एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट से लेकर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी कि निचले स्तर से लेकर के ऊपर लेवल तक वो वकालत करती हैं, सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ रही हैं। उन्होंने, आप जानते हो कि हाथरस का जो मुख्य जो एक ऐतिहासिक जो कांड है उसमें उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, वो हमारे मंच पर होंगी मुख्य वक्ता के रूप में। प्रोफेसर राजकुमार जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, जिन्होंने कई शिक्षण संस्थानों की स्थापना की है और लगातार वो समाज कार्य कर रहे हैं, वो हमारे वक्ता के रूप में होंगे। तो ये इस तरह की कुछ चीज़ें हमारे इस मंच पर होंगी। क्या खास करोगे जी? आप सभी को जी अभी मैं बुद्धा है और बहुत बहुत साधुवाद आप लोग इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए यहाँ से पहुँचे हैं। अगर हम 25 दिसंबर की बात करें तो 25 दिसंबर की घटना से पहले एक बहुत बड़ी घटना घटी थी, जब बाबा साहब 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा छोड़ करके गए थे। और उनका छोड़ने का कारण ये था कि उनकी बहुत बड़ी नौकरी होने के बावजूद भी उनकी कोई रहने की व्यवस्था नहीं हो पाई थी, और जब वहाँ से उनको मजबूरी में छोड़ करके जाना पड़ा तो वहाँ उनको ऐसा उन्होंने महसूस किया कि मेरे साथ तो कोई ऐसी भी बात नहीं है कि कोई शिक्षित नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, या कोई मैं ठीक तरह से नहीं रहता हूँ, या मेरे कपड़े गंदे रहते हैं, या मैं गंदी सोसाइटी में रहता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे साथ ये व्यवस्था इस तरह की हो रही है कि मुझको यहाँ मकान नहीं मिला। तो इस घटना से इतने व्यथित हुए बाबा साहब कि उसके बाद उन्होंने फिर ये सब स्टडी करना शुरू किया कि आखिर इसकी जड़ कहाँ पर है। तो जब उन्होंने जो सारे जो ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे, जिनको जो उन्होंने पढ़ करके देखे, तो उनमें सभी में ज़्यादातर उनको ऐसा लगा कि यहाँ पे एक समाज के बहुत बड़े वर्ग के साथ में अन्याय किया जा रहा है। और उसी में एक मनुस्मृति नाम की जो बुक थी उसको बाबा साहब ने जला करके 25 दिसंबर 1927 को ये संदेश दिया कि हम इस उससे सहमत नहीं हैं, हम एक ऐसा सामाजिक जिसमें सभी के लिए बराबर हो, मानव मानव के बराबर अधिकार हो, समता, स्वतंत्रता, बंधुता पर आधारित एक व्यवस्था हो, ऐसी व्यवस्था स्थापित करना चाहते हैं। और वही व्यवस्था बाबा साहब ने स्थापित की जब संविधान को उन्होंने बनाया, तो सभी के लिए उन्होंने संविधान में समता, स्वतंत्रता और बंधुता के और न्याय के आधार पर ही उन्होंने सबको एक समान अधिकार दिए। और आज हम जो प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, हम वहीं बाबा साहब से सीख लेकर के अपने मंच पर जो भी हमने बुलाए हैं वो सभी हमको धार्मिक में भी, बौद्ध धर्म के बारे में भी बताएंगे, शिक्षा के बारे में भी बताएंगे, न्यायविद भी हमारे इसमें स्पीकर हैं, न्याय के बारे में भी बताएंगे कि सामाजिक न्याय क्या होता है, न्याय कैसे मिलता है। तो उसी तरह की हर तरह की शिक्षाएं हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें, यही हमारा उद्देश्य है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले। आप सभी का बौद्ध महोत्सव में स्वागत है। इस बार का जो ग्रेटर नोएडा का जो उत्सव, फेमस उत्सव बौद्ध महोत्सव, नोएडा में मनाया जा रहा है। ये नोएडा के सेक्टर 15 जो ऋषिपाल क्रीड़ा स्थल है, ये उसमें सेलिब्रेट किया जा रहा है। इस स्थान के पास में ही राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल है जो विश्व धरोहरों में शुमार है। आप यहाँ आएंगे तो राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल के भी आपको दर्शन होंगे। इसके साथ साथ दिल्ली से आने वाले साथी
जो नोएडा का एंट्री पॉइंट है जहां भगवान बुद्ध की मूर्ति विराजमान है, वहां से भी ये वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तीसरा स्थान जो सेक्टर 37 का बुद्ध विहार है, डॉक्टर अम्बेडकर भवन है, वहां से भी ये उचित दूरी पर है। तो तीनों ऐतिहासिक चीज़ें इस ग्राउंड के आसपास हैं। आने के लिए मेट्रो बहुत अच्छा सूट करती है, सेक्टर 15 का मेट्रो स्टेशन या सेक्टर 16 का मेट्रो स्टेशन, दोनों मेट्रो स्टेशनों पर आप उतर सकते हो। सेक्टर 15 से 16 की तरफ चलोगे, यदि 16 पर उतरते हो तो सेक्टर 15 मेट्रो की तरफ चलोगे। दोनों मेट्रो स्टेशन के ठीक बीच में बौद्ध महोत्सव का सुंदर गेट बना हुआ आपको मिलेगा। तो आप सब इस पावन बौद्ध महोत्सव में सादर आमंत्रित हैं, आइए बौद्ध महोत्सव का आनंद लीजिए। बौद्ध महोत्सव 2022 ऋषि पाल क्रीड़ा स्थल सेक्टर 15 नोएडा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। बौद्ध महोत्सव सिर्फ अपना नोएडा में हो रहा है, कहीं और भी हो रहा है सर? सभी को नमस्कार, जय भीम। बौद्ध महोत्सव नोएडा में भी हो रहा है और इसके अलावा दो जगह पे और बौद्ध महोत्सव आयोजित हो रहा है जी, जिसमें मथुरा में आयोजित हो रहा है बौद्ध महोत्सव, मथुरा की टीम है वो बौद्ध महोत्सव आयोजित कर रही है। स्थान और पता बताएं कृपया। इस टैकमैन सिटी मथुरा एक्सप्रेसवे के पास ही है, जो मथुरा हाईवे है जी, वहाँ टैकमैन सिटी है, उसमें आयोजित हो रहा है। और इसके अलावा इटावा में ये डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, वहाँ जी डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, ये भरतना चौराहे के पास जी, उस यूनिवर्सिटी में बौद्ध महोत्सव आयोजित हो रहा है, इटावा की टीम उसको आयोजित कर रही है। तो इस बार मुख्य रूप से तीन जगह पे बौद्ध महोत्सव का आयोजित किया जा रहा है, जिनमें नोएडा सेक्टर 15, इटावा और मथुरा प्रमुख है। तो इतनी जगह पे कार्यक्रम आयोजित हो रहा है और अन्य जगह पे भी कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है, वो छोटे स्तर पे है। ये तीनों कार्यक्रम बड़े स्तर पे है और गांव-गांव में भी लोग इसको मना रहे हैं जी। तो आप सभी सादर आमंत्रित है, जो भी कार्यक्रम आपके नजदीक हो वहाँ आप अपनी उपस्थिति दर्ज करें और इस कार्यक्रम का आनंद लें। यहाँ होने वाली ज्ञान वर्धक बातों से अपने जीवन को ज्ञान से ओतप्रोत करें और आने वाली जनरेशन को ज्ञान फैलाने का काम करें। धन्यवाद।